नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये मीटू कैंपेन है ना, भयानक रफ्तार से पूरे भारत में फैल गया है। हर दिन दो चार लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा में कई बड़े नामों का खुलासा करने के बाद गाड़ी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ चली है। इस बार अपने साथ हुई सेक्सुअल हरासमेंट की घटना सुनाई है एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने, और इसमें एक बड़े कलाकार का नाम आया है। यह आरोप लगा है अर्जुन सरजा पर। अर्जुन दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक्शन किंग के नाम से जाने जाते हैं। अब तक जेंटलमैन, मुढ़ावलन, प्रसाद और अभिमन्यु समेत 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। साथ ही कई फिल्में वो डायरेक्ट, प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं। वेटरन एक्टर्स में गिने जाते हैं। आखिरी बार इसी साल मई में इरिम्बू थिराई नाम की एक्शन थ्रिलर फिल्म में दिखे थे। फिलहाल सेक्सुअल हैरेसमेंट के मसले में उनका नाम आया है। अर्जुन पर यह आरोप लगाया है उनकी को स्टार रह चुकी एक्ट्रेस श्रुति हरिहरन ने। ये घटना उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बताई। श्रुति कन्नड़ फिल्मों में जानी मानी एक्ट्रेस हैं। 2012 में मलयाली भाषा की फिल्म सिनेमा कंपनी से अपना करियर शुरू करने वाली श्रुति तकरीबन 25 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनको असली पहचान मिली 2013 में आई फिल्म लूशिया से। इस फिल्म में उन्होंने दो किरदार किए थे। आखिरी बार इसी साल फिल्म रैम्बो 2 में दिखाई दी थी। उनके मुताबिक उनका हैरेसमेंट एक फिल्म के सेट पर ही हुआ था। अर्जुन और श्रुति निभुनन, जो 2017 में आई थी, इस नाम की फिल्म में काम कर रहे थे। वहाँ एक नियम था कि फिल्म के सेट पर सीन शूट करने से पहले एक्टर्स एक दूसरे के साथ रिहर्सल करते थे। फिल्म में श्रुति अर्जुन की पत्नी का रोल कर रही थी और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन शूट होने वाला था। इस सीन में दोनों को गले मिलना था। श्रुति अपने पोस्ट में लिखती हैं कि रिहर्सल के दौरान गले मिलने पर अर्जुन ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर के पिछले हिस्से पर अपना हाथ फेरने लगे। श्रुति ने जैसे तैसे वो सीन शूट किया। तब इस घटना का जिक्र उन्होंने बस अपनी मेकअप टीम के साथ ही किया था। उस समय वो नई थी, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये बर्दाश्त करना उनके बस का नहीं था। इसके अलावा श्रुति ने ये भी बताया कि अर्जुन चार और हीरोइनों को सेक्सुअली हैरेस कर चुके हैं। श्रुति के साथ हुई इस घटना का समर्थन एक एक्स्ट्रा एक्टर ने भी किया है। उन्होंने बताया कि वो अर्जुन सरजा की एक फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेने अपनी टीम के साथ मैसूर गई हुई थी। शूटिंग में ब्रेक के दौरान अर्जुन उनके ग्रुप के पास आते और बताते कि वो किस होटल में ठहरे हैं और अगर वो चाहें तो उनसे मिलने आ सकती हैं। अर्जुन ने श्रुति के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्रुति उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। इस घटना को लेकर पूरी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दो धड़ों में बढ़ गई है। कोई अर्जुन को सपोर्ट कर रहा है तो कोई श्रुति को। लेकिन फिर आते हैं कुछ विरले लोग जो दोनों को उनका स्पेस दे रहे हैं। निभुनन के डायरेक्टर अरुण वैद्यनाथन ने कहा कि ऐसी किसी घटना के बारे में उन्हें नहीं पता। वहीं प्रकाश राज ने अर्जुन को मशहूर सम्मानित एक्टर मानते हुए कहा कि अगर श्रुति की बात सच है तो अर्जुन को उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे उनका कद जो है और बड़ा हो जाएगा। साउथ इंडियन फिल्मों की एक और मशहूर अदाकारा श्रद्धा श्रीनाथ इस मामले में पूरी तरह से श्रुति के सपोर्ट में हैं। वहीं अर्जुन की बेटी ऐश्वर्या, जो खुद भी एक हीरोइन है, उन्होंने कहा है कि श्रुति इस कैंपेन का दुरुपयोग कर रही हैं। जो कुछ भी होने के बारे में वो बता रही हैं, उसमें मुझे कुछ हैरेसमेंट जैसी चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर कोई चीज़ किसी की मर्ज़ी के बगैर की गई है तो हम उसे ज़बरदस्ती मानते हैं। ये सब उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए की है। उन्हें लगा कि मेरे पिता एक ऐसा नाम है जिनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। फ़िलहाल मसला इतना ही है। जैसे इसमें कुछ आगे डेवलपमेंट होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये स्टोरी हमारे लिए लिखी थी श्वेतांग ने, जो मैंने आपको सुनाई है। आपको इस मामले में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस देखने आपको मीटू कैंपेन से रिलेटेड या किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए और हमारा Android पर ऐप भी आ चुका है, उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।